This conference will now be recorded. हेलो चतुर्दशी दिनांक यार म्यूटेड आवाज आ रही है ना इस दिनांक 13 सितंबर 2000। हाँ ठीक है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं अपिस्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम् कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोग मुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे अधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्ति स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यंच रोग मुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तदैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। शांति शांति प्रथमोध्याय समाधिपाद अथ योगानुशासन योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यय मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयासं प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यान्तं निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः ततो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। बाकी सभी लोगों को दिख रखे है स्लाइड, यहाँ तो दिखाई दे रही है एक्चुअली। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृद मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कानेनानवच्छेदात् तस्य वाचक प्रणवः तच्चपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुःख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभूः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनातः चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयम वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहण ग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्ति
तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्का समापत्ति स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचार च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च आलिंग परिवसानं ता एव सबीज समाधि निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे प्रथम समाधि पादः द्वितीयोऽध्याय साधन पादः तपस्वाध्यायेश्वर परिणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ अविद्या स्मिता राग द्वेषापि निवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्र उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदराण अनित्याशुज दुःखानात्मसु नित्य शिशु सुखात्मक ख्याति अविद्या दृग्दर्शन शक्तिर एकात्मितेवास्मिता सुखानुषयी रागः दुःखानुषयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोपि तथा रूढ़ोभि निवेशः प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः ध्यान हेया तद्वृत्तयः क्लेशमूलक कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः तिल्लाद प्रताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हे हेतु प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुणपर्वाणि दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तिः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावहानं तदृशैः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तपुग्नि प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधेय अष्टावंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर परिणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष बाधनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्यजन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः तत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अंतम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधान स्थिर सुखमासनम् प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासेर गति विच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यंतर विषय क्षेपी चतुर्थ तत क्षीयते प्रकाशाव धारणा सुच योग्यता मनसा स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार तत परमावश्यतेन्द्रियाणां इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे द्वितीय साधन पादः शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सूक्ष्म तन्मात्रा और उनसे श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण ये ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई है। थोड़ा अजीब है। श्रोत्र स्पर्श शब्द रूप स्पर्श रूप रस गंध ये सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, उनसे पंच महाभूत निर्माण हुए हैं और सात्विक अहंकार से राजस अहंकार की सहायता से ये इंद्रिय निर्माण हुए हैं। इन्हीं तन्मात्रों के पंचीकरण से शब्द स्पर्शादि स्थूल विषय क्रम से उत्पन्न हुए हैं। इंद्रिया और उनका विषय, इनका उपादान कारण एक ही होने के जरिए उनमें आकर्षण होना ये भौतिक शास्त्र का एक नियम है।
इस आकर्षण को जड़ सृष्टि में रासायनिक आकर्षण ऐसा कहा गया है। किंतु यहाँ जहाँ अंतःकरण की अभिव्यक्ति होती है हुई होती है, वहां उस आकर्षण को ही इंद्रियों की विषयों की तरफ जो दौड़ है, यानी कि विषय संबंधी जो वासना या लोलुपता है, इस प्रकार का नाम दिया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो सांख्य तत्व ज्ञान में एकादश इंद्रियों जो निर्माण हुई है वो सात्विक अहंकार से और राजस अहंकार की सहायता से हुई है, और जो शब्दाति तन्मात्रा है वो तामस अहंकार से राजस अहंकार की सहायता से उत्पन्न हुए हैं, और उनसे आगे ये पंचमहाभूत प्रकार के बने हैं। अब आयुर्वेद में या न्याय वैशेषिक वगैरह शास्त्रों में इंद्रियाणि तो भौतिकानि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते, तो ये भौतिक इस प्रकार के बताए गए हैं। और जिस महाभूत का प्राधान्य जिस इंद्रिय में है उसी के विशेष विषय को वो उस विषय का वो ग्रहण करता है। तो श्रोत्रेन्द्रिय आकाश महाभूत ही है और वो शब्द का जो ग्रहण करता है इस प्रकार से। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय जो है वो जल महाभूत प्रधान इस प्रकार का है, और जलीय जो रस उसका वो ग्रहण करता है। तो इंद्रिय इंद्रियार्थमि स्वं संग गृह्णाति मानवः नियतम तुल्य योनि नान्य नान्यमिति स्थिति। तुल्य योनि होने के जरिए निश्चित रूप से उसी इंद्रिय से उसी विषय का ग्रहण होता है, दूसरे इंद्रियों के विषय का ग्रहण नहीं होता है। अब इनका कहना है कि ये जो इंद्रिय और उनके विषय, इसमें जो एक लोलुपता आसक्ति इस प्रकार की है वो स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों का मूल कारण एक ही महाभूत इस प्रकार का है, या ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक महाभूत का आधिक्य यही उसका कारण है। वेदांत में तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायुः अग्निः अग्निः आपाद्य पृथ्वी, ये क्रम बताया गया है। और तेषाम् एक गुण पूर्वा गुण वृद्धि परे परे, आकाश जो है वो केवल शब्द गुण वाला है और वायु में शब्द और स्पर्श, आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श, तेज में शब्द स्पर्श रूप, इस प्रकार के गुण वृद्धि होती रहती है, आगे आगे वाले गुण निर्माण होते रहते हैं। और वैसे पृथ्वी में ये सभी गुण मौजूद इस प्रकार के होते हैं, उसका गंध गुण सिर्फ पृथ्वी का इस प्रकार का है। अब इंद्रिय और विषय एक ही महाभूत से निर्माण हुए हैं, इसलिए उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण इस प्रकार का है, और इसको विषय संबंधी वासना या लोलुपता इस प्रकार का कहा जाता है। विषय और उसको ग्रहण करने वाला इंद्रिय, इनका संयोग होने पर, यानी कि दोनों के समान घटक संयोग काल में इकट्ठा आने पर, उस प्रकार की जो परस्पर के लिए अनुकूल और पोषक अवस्था निर्माण होती है उसी को विषय सुख इस प्रकार का ज्ञान नाम दिया जाता है। जब हम उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको विषय सुख इस प्रकार का कहा जाता है। सुख और दुख इन दोनों का नित्य परिचय होने के जरिए उनका मूल अर्थ हमारे ध्यान में नहीं आता है। सु और दु ये विरोधी अर्थ दर्शाने वाले दो उपसर्ग है। सु यानी कि अच्छा और ख यानी कि इंद्रिय। उसी प्रकार से दुहु यानी बुरा और ख यानी कि इंद्रिय। वास्तव में ख का अर्थ जो है वो पोकली या जहाँ कुछ भी नहीं है इस प्रकार की स्थिति, और ये आकाश पूरे विश्व को व्याप्त करके रहा है, उसको ख इस प्रकार का कहा जाता है। इंद्रियों का अनुकूल विषयों से संयोग होने पर उस कारण से हमें सुख प्रतीति होती है, और प्रतिकूल विषयों से संयोग होने पर वहां दुख प्रतीति होती है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग सुखात्मक और दुखात्मक होना ये निसर्ग का नियम है।
उसी प्रकार इंद्रियों का विषयों से अनुकूल संयोग यह निमित्त कारण है, और इंद्रियों इंद्रिय और तद्वारा मन की सुखात्मता ये कार्य उसका है। तो इस प्रकार के इंद्रिय और विषय के अनुकूल संयोग से मन को सुख प्राप्त होता है, और प्रतिकूल अगर इस प्रकार के है तो उससे दुख प्राप्त होता है। तो ख यानी कि आकाश को तो हम ख और इंद्रिय इस प्रकार को कहते हैं, और फिर उसी के आधार पर बाकी भी जो इंद्रिय है वो भी ख नाम से पुकारी जा सकती है, और जो जिससे हमें अनुकूल संवेदना होती है वो सुख रूप इस प्रकार का इंद्रिय विषय संधिकर्ष है, और जिससे हमें दुख प्राप्त होता है प्रतिकूलता होती है वो दुख रूप इस प्रकार का इंद्रिय अर्थ संयोग इस प्रकार का माना जाएगा। मृत्तिका ये घट का उपादान कारण होने के जरिए उसकी और घट की एक रूपता जैसे नष्ट नहीं होती, लेकिन इंद्रियों के बारे में विषयों का जो संयोग सुखात्मक वृत्ति का केवल निमित्त कारण होने के जरिए संयोग और सुखात्मक का वृत्ति इनका अभेद नहीं है, तो ये अलग अलग इस प्रकार के हैं। सुखात्मता ये एक चित्त वृत्ति होने के जरिए और चित्त उस वृत्ति का उपादान कारण होने के कारण चित्त और सुखात्मिका वृत्ति इनका मात्र परिणामी और परिणाम इस प्रकार का एक रूपता का संबंध है। काफी अलग बात है, मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो चित्त में ये सुख या दुख इस प्रकार के निर्माण होते रहते हैं, और सुखात्मता ये एक विचित्त वृत्ति है, और चित्त उस वृत्ति का उपादान कारण है, तो एक परिणाम है इस प्रकार की सुखात्मता, और मूल कारण उपादान कारण चित्त इस प्रकार का है। तो परिणाम ही परिणाम या कार्य कारण इस प्रकार का ये एक रूपता का संबंध है। इसलिए जैसे जैसे बुद्धि का ज्यादा विकास होता रहेगा वैसे वैसे सुखात्मिका वृत्ति उत्पन्न होने के लिए आवश्यक जो निमित्त कारण उसमें भिन्नता निर्माण हो सकती है। यानी कि बुद्धि का विकास होने पर इंद्रियों का विषयों से होने वाला संयोग ये अनुकूल वेदनीय होगा तो भी वो चित्त में आनंद की वृत्ति उत्पन्न करने में निमित्त कारण हो नहीं सकता इस प्रकार का। उस समय में चित्त में आनंद लहरी उत्पन्न होने में ये विशिष्ट इच्छाओं की पूर्ति होना ये निमित्त कारण था, और उसके जरिए एक प्रकार का इस प्रकार का आनंद ये दूसरे प्रकार में होता है, इसलिए ऊपर बताया गया है। अभी शायद ये सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है वहां जो आनंद की अनुभूति होती है वो अनुभूति और इंद्रियों द्वारा विषयों के द्वारा होने वाली अनुभूति इसमें क्या फर्क है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस प्रकार का इंद्रियों से विषयों का संयोग एक निमित्त कारण है, और उसमें उस समय में सुखात्मिता इस प्रकार की निर्माण होती है, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि प्रगल्भ होती जाती है तो जिन विषय में मुझे पहले दिलचस्पी रहती थी वो मुझे अब उतना सुख नहीं देते हैं, ये बात सामने आती है। तो इंद्रिय विषय होने संयोग होने के बावजूद भी सुख की अनुभूति आगे आगे नहीं होती है, और यह हमारा रेगुलर अनुभव इस प्रकार का है। मिष्टान्न ये जिह्वा के लिए मधुर संवेदना देती है, लेकिन मनोविकास अवस्था में सुख दुख वृत्तियों को मनोमय निर्माण होने लगी तो मिष्टान्न जिह्वा में यद्यपि मधुर लगा तो भी ये मधुरता चित्त में सुखात्मिका वृत्ति उत्पन्न करने में समर्थ होती नहीं है, किंतु कहीं कहीं वो मधुरता
चित्त में दुखात्मक वृत्ति भी निर्माण कर सकती है। तो लाडू और अनारसे, इनके सामने आंबिल जो की जाती है वो निस्संशय नीरस इस प्रकार के, उसमें रुचि नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्योधन घर के लाडू अनारसे छोड़कर ये विदुर गृह में कृष्ण ने भोजन किया और उसको वो बहुत पसंद आया। कण्या इस प्रकार के तांदुल तांडुल चावल के टुकड़े उससे बनी हुई इस प्रकार की जो चीज बनी थी, उसका उसने बड़े सौख्य से आस्वाद इस प्रकार का लिया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इंद्रियों के विषयों के बारे में जो हमें सुख की अनुभूति होती है वो वैसी ही नहीं रहती, उसमें बदलाव आते रहते हैं। और फिर ये बात समझ लेनी है कि ये इंद्रियों के द्वारा विषय का आस्वाद लेना, ये एक कुछ हद तक सुख देने वाला इस प्रकार का है, बाद में वो दुख देने वाला भी हो सकता है। नहीं सुख देने वाला, लेकिन दुख देने वाला इस प्रकार का भी हो सकता है। और फिर यही वैराग्य का उदय शायद होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इस प्रकार की बात अगर होने लगती है तो वैराग्य होता है। तो अभ्यास से मैं किसी एक आलंबन पर चित्त स्थिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आलंबन को छोड़ रहा हूँ, चित्तवृत्तियों का निरोध उस आलंबन पर कर रहा हूँ। और उसका अभ्यास होते होते मुझे आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है। शुरू में मूर्ति या कुछ चित्र इस प्रकार का रहेगा, बाद में सविचार संप्रज्ञा समाधि के अवस्था में केवल मन में विचार आने से ही ये बात होगी। उसके आगे सानंद इस प्रकार की जो संप्रज्ञा समाधि है, उसमें आत्मा पर मन स्थिर हो जाएगा और आत्मा आनंद स्वरूप होने के जरिए मुझे आनंद की अनुभूति इस प्रकार की होगी। अब इस अनुभूति का अनुभव होने पर जो मुझे इंद्रियों के द्वारा विषयों का जो सुख का आनंद होता रहा था, अनुभव हो रहा था, वो नहीं लगता, किम भवना उसमें दुख प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो ये सापेक्ष है, अवस्था सापेक्ष इस प्रकार के है। और शुरू की अवस्था में जिनसे हमें ये इस प्रकार के सुख प्राप्त होते थे, उन्हीं इंद्रियों विषयों के द्वारा हमें आगे सुख प्राप्त होते ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं रहेगी, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का। प्रियजनों के विरह का दुख जब हृदय में दाहकता निर्माण कर रहा है, तो उस समय में मिष्टान्न का कुछ भी ग्रास ये नीचे नहीं उतर सकता, उससे सुख नहीं होता। और पति के मृत्यु के जरिए जो आनंद से सती जा रही है, उस पतिव्रता को पति की चिता ये पुष्पशय्या जैसा आनंद दे सकते हैं। ये तो काफी मुश्किल मामला है कि अगर मानसिक स्थिति हमारी इतनी उच्च दर्जे की हो गई हो तभी ये पॉसिबल है कि जिससे लोगों को दुख प्राप्त होता है उसे दुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि आनंद की या सुख की अनुभूति इस प्रकार की होती है। ये खास करके सती की जो प्रथा है उसके बारे में सोचना, जो अपने आप से पूर्ण तैयार होके सती जाने के लिए तैयार होती है वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छा धैर्य होना चाहिए, बहुत ही अच्छा निश्चय होना चाहिए, तभी ये बात हो सकती है। जबरदस्ती उसको इस प्रकार से करवाना, भाग पाड़ना, ये सही नहीं है इस प्रकार से। तात्पर्य इस दूसरे प्रकार के आनंद में जिसका निमित्त कारण बदल गया है और आनंद की संवेदना अधिक तीव्र होती है,
उस अवस्था में मनोमय कारणों से जो आनंद उत्पन्न होता है उसका विचार करेंगे। मुझे ये चीज चाहिए या ये नहीं चाहिए, इस प्रकार की जो कामना चित्त में उत्पन्न होती है वो रजोगुण के जरिए होती है, और इस रजोगुण के जरिए ही मनुष्य की किसी भी कार्य के लिए प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति होती रहती है। रजस्तस्तु फलम दुखम, ये जो गीता में कहा गया है ये अध्यात्म शास्त्र में त्रिकालापाती सिद्धांत है। तो इसमें वास्तव में कोई ऐसा सोचेगा कि निवृत्ति होना बुरे चीज से या दुखदायक चीजों से ये ठीक है, लेकिन सुखकारक चीजों के तरफ जो प्रवृत्ति होती है वो भी अंतिमतः दुख ही है, ये इनका कहना है। रजस तो फलम दुखम, रजस से तात्कालिक फल प्राप्त होता है, तो भी ये बात केवल तात्कालिक ही है, अंत में दुखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकी व्यक्ति के लिए सभी चीजें दुख ही है, जिसको हम तात्कालिक सुख कह रहे हैं वो भी अंत में दुख इस प्रकार का ही है। तो रजसस्तु फलम दुखम, रजस का फल दुख इस प्रकार का है। अंतकरण में उत्पन्न होने वाली कामना रजोगुणात्मक होने के जरिए वो स्वभावतः दुख रूप होती है, और वो जितनी तीव्र उसके अनुसार उसकी दुख रूपता अधिक तीव्र होती रहती है। तो ये जो वैराग्य की बात कही जाती है कि इससे मुझे सुख प्राप्त हो रहा था, ऐसा मुझे अनुभव आ रहा था, उन्हीं चीजों से अब मुझे सुख प्राप्त नहीं होता बल्कि दुख हो रहा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर हो रही है तो फिर वैराग्य निर्माण होगा कि ठीक है मुझे चाहिए ही नहीं, सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे रजोगुण से संयुक्त तो होना ही नहीं है इस प्रकार। तो ये वैराग्य की स्थिति इस प्रकार की रहेगी, और ये धीरे धीरे बढ़ने वाली इस प्रकार की है। तो पहले तो ऐसा होना चाहिए कि जिनसे मुझे सुख प्राप्त हो रहा है वो तात्कालिक सुख है या चिरंतन सुख है, इसके बारे में सोचना। इंद्रिया और उनके विषयों के द्वारा जो सुख प्राप्त हो रहा है वो तात्कालिक सुख है, वो उस विषय पर निर्भर है, वो विषय नहीं रहेगा तो सुख नहीं होगा, और इसलिए यद्यत परवशम तत्त दुखम, जो जो अपने अधीन नहीं है दूसरे का अधीन है वो सभी दुख ही है, चाहे मुझे अभी वो लगता है कि ये सुख है लेकिन ये वास्तव में दुख ही है। तो उस सुख से या दुख से दूर होते हुए हम आत्मानंद की अनुभूति लेते हैं सानंद संप्रज्ञात समाधि में, तो पता चलता है अरे ये तो सुख है, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है, और मेरे ही आत्मा में मैं लीन हो रहा हूँ, व्यग्र हो रहा हूँ, तो कुछ दूसरे किसी चीज की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। लेकिन ये भी आनंद है, ये भी सुख है, और इसके भी आगे बढ़ना है, केवल अस्मिता ये जो आगे की बात बताते हैं कि मैं हूं, इतनी ही अनुभूति आनंद की अनुभूति, और उसके बाद में मैं हूं इतनी अनुभूति, और फिर असंप्रज्ञाता समाधि शुरू हो जाता है। तो प्रकृति लय इस प्रकार का हो जाता है, जो जिनके जरिए मुझे ज्ञान हो रहा है वो ही नहीं रहती, तो ज्ञान होने का संबंध कहाँ है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है, और उसकी दुख रूपता अगर ये जो संवेदना है सुख की संवेदना है वो दुख रूप हो जाती है, और फिर उसकी दुख रूपता अगर ज्यादा तीव्र होती है तो उस कामना की पूर्ति होती है उसी समय उस कामना के रजत गुणत्व के से चित्त की व्यग्रता के वहां दुख रूपता, इससे कुछ हद तक मुक्तता होने के जरिए कुछ आनंद होता है, और कामना की पूर्ति होने का भी आनंद हो सकता है। तो मुझे ये चाहिए, ये चमे 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 इस प्रकार का आता है रुद्र में,
वित्तम क्षमे मुक्ष तमुक क्षमे वगैरह वगैरह इस प्रकार तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए इस प्रकार की बहुत सारी कामनाएं उसमें व्यक्त की गई है। और उसके पीछे एक विचार ऐसा है कि ये सब मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन ये सभी मिलने के बावजूद भी अगर सुख नहीं मिल रहा है, सुख उससे पर है इस प्रकार का, कुछ हद तक मुझे आनंद मिला, मेरा बंगला है, मेरी कार है, मेरा उच्च पद है, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है वगैरह वगैरह, तो ये मुझे आनंद देने वाली इस प्रकार की बात है। लेकिन जिस समय में इस आनंदमय कोष की स्फूर्ति होती है, उसी समय वासना का उपशम होने के जरिए चित्त सत्वारूढ़ हो जाता है, और सत्वगुण या निर्मलत्व के जरिए प्रकाशक और अनामय होता है। तो जीव को सुख संगेन बदनात ज्ञान संगेन चाणक, सुख संग और ज्ञान संग से वो जोड़ देता है। इस वचन में बताया गया, गीता का वचन है, सुख संग और ज्ञान संग बनाता रहता है। एवं च आनंद के दूसरे प्रकार में रजोमूलक दुख रूप इच्छा की निवृत्ति, इष्ट प्राप्ति के जरिए हुआ हर्ष और वासना निवृत्ति के जरिए चित्त में प्रस्फुट इस प्रकार की सत्व संपन्नता, इन सभी के जरिए चित्त में आनंद वृत्ति निर्माण होती रहती है, और आनंद की अभिव्यक्ति होने के लिए इन तीनों में से सत्वारूढ़ता ये प्रमुख कारण इस प्रकार का है। तो तात्कालिक सुखों का अनुभव लेना है नहीं लेना है, यह सवाल पूछ रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारतीय तत्व ज्ञान ये निवृत्ति पर है, प्रवृत्ति के लिए नहीं है इस प्रकार से। वैसे देखा जाए जो गीता अहम ग्रंथ है, प्रधान ग्रंथ है, वो किसके लिए निर्माण हुआ? अर्जुन को प्रवृत्त करने के लिए ही निर्माण हो। अर्जुन परावृत्त होना चाहता था युद्ध से, क्योंकि मेरे मुझे मुझे गुरुओं से लड़ना है, मेरे बंधुओं से लड़ना है, इसलिए वो धैर्य इकट्ठा नहीं कर पा रहा था लड़ने के लिए। और उसको युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए ये किया गया इस प्रकार से। तो प्रवृत्ति या निवृत्ति ये दोनों चीजें सापेक्ष इस प्रकार की है, जैसे जैसे हमारी अवस्था बदलती जाएगी वैसे वैसे हमारी प्रवृत्ति निवृत्तियां भी बदलती जाएगी इस प्रकार से। पहले मुझे जिन बातों से सुख प्राप्त हो रहा था वो अभी मुझे सुख नहीं देने वाले हैं, तो उसमें जो मेरी प्रवृत्ति पहले थी वो कम हो जाएगी और निवृत्ति शायद वहां पे आने लगेगी। फिर दूसरे किसी आनंद के लिए मेरे प्रवृत्ति होगी, वो भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तात्कालिक है फिर भी, तो फिर उससे के आगे क्या करना है? और फिर सुख दुख कुछ नहीं होना चाहिए, केवल मैं हूं इतना ही भाव होना चाहिए, ये शास्मित इस प्रकार का समाधि है। तो ये सत्वारूढ़ होना चित्त का, ये इसमें एक महत्वपूर्ण है। रज मूलक दुख रूप इच्छा की निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति होने के निर्माण का कारण निर्माण हुआ हुआ हर्ष, और वासना निवृत्ति के जरिए चित्त में प्रस्फुट होने वाली सत्व संपन्नता, इसके जरिए चित्त में आनंद होता रहता है। तो अध्यात्म में ये बहुत बड़ा विषय इस प्रकार का है, सुख क्या है दुख क्या है। ये जो अभी सुख संज्ञक आरोग्य विकारो दुखमेव च, सुख संज्ञक इस प्रकार का आरोग्य है वो वास्तव में सुख नहीं है, वास्तव सुख उससे भी पर है। लेकिन फिर भी रोग रूप दुख के हिसाब से देखा जाए, उसकी उसे तुलना की जाए, तो सुख संज्ञक का आरोग्य ये सुख संज्ञक ही है, आरोग्य सुख संज्ञक ही है। उसपे की उसके भी आगे हम अगर चले जाएंगे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये स्थिति निर्माण हो सकती है, किसी में भी मेरी आसक्ति इस प्रकार की नहीं रही,
ये प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। अभी मैं सुबह है, हमारा तो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद है, नया विषय मैं अभी देखूंगा कब शुरू करना है इस प्रकार से। लेकिन तब तक मैंने कंसंट्रेशन करना आरंभ किया है कि आयुर्योग संहिता जो है उसमें क्या क्या विषय होने चाहिए, उसके कितने पार्ट्स होने चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, आम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ। वैसे संहिता जैसे आएगी वैसे आम लोगों के लिए ये सभी विचार सामने आ जाएंगे। लेकिन उसमें सुख क्या है दुख क्या है, ये एक बहुत बेसिक विचार इस प्रकार का रहेगा, और ये बदलने वाला भाव है, ये समझ में लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो तात्कालिक मुझे क्या लग रहा है, ये सुख है ये दुख है इस प्रकार से, बाद में वही दुख जिसको मैं दुख कह रहा था वो मेरे लिए सुख में परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि मुझे MBBS में एडमिशन नहीं मिली और मुझे BAMS में आना पड़ा, तो मुझे दुख हुआ था तात्कालिक इस प्रकार का। कोलटकर सर से जब भेंट हुई और फिर उन्होंने काफी कुछ बताया, तो मैं अपने को अभी भाग्यशाली समझता हूँ कि अच्छा हुआ मुझे MBBS में एडमिशन नहीं मिली, मैं BAMS में आ गया, और अच्छा हुआ कोलटकर सर से मुलाकात हुई इस प्रकार से। तो जिसको हम उस समय में मैं दुख समझ रहा था वो वास्तव में दुख नहीं रहा, उसकी परिणति सुख में इस प्रकार की हो गई। तो ये सिलसिला चलता रहता है, सुख और दुख इस प्रकार से बदलते रहते हैं। लेकिन इन सभी में अपेक्षा भंग का दुख ये एक महत्वपूर्ण है। हमारी खुद से अपेक्षाएं हैं, हमारी दूसरों से अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो मुझे दुख होता है, ये कॉमन इस प्रकार का देखा जाता है। तो अपेक्षाएं रखनी है नहीं रखनी है ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। खुद से तो अपेक्षाएं रखनी है, दूसरों से अपेक्षा शायद नहीं रखे, और उनकी पूर्ति नहीं होती है तो मुझे ही दुख होगा इस प्रकार से। लेकिन आगे चलकर अपेक्षा ही नहीं रहेगी, ये बात हो सकती है, मुझे कुछ भी न चाहिए, लेकिन ये भी एक अपेक्षा है कि मुझे कुछ भी न चाहिए। तो व्यक्ति भाव ही नहीं होगा, रजस और तमस इतने कम हो जाएंगे, केवल सत्वगुण इतना इतना प्रबल हो जाएगा। तो मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार की कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल इस प्रकार की भावनाएं वेदनाएं नहीं रहेगी, और फिर तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित इस प्रकार का हो जाएगा, और मोक्ष हो जाएगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये सीढ़ियां हैं, आगे आगे कैसे जाना है इसके बारे में हमें सोचना है। रजस तम से मुक्ति प्राप्त होना और चित्त सत्वारूढ़ होना ये इसमें है। आनंद के आविर्भाव की ये मीमांसा अगर ध्यान में लेते हैं तो आनंद का तीसरा प्रकार जो है सहजानंद, उसका स्वरूप सहज से स्पष्ट होता है। इस प्रकार में अनेक जन्म कृत पुण्य पुंज परिपाक वशात चित्त में सत्वारूढ़ता इतनी उत्पन्न होती है कि उसका रजोतम गुण से अभिभव नहीं होता और वही स्थिर रहती है। अर्थात चित्त सदैव सत्वारूढ़ होने के जरिए आत्मानंद सदैव प्रतिबिंबित होता रहता है। वास्तविक आत्मा नित्य प्राप्त होने के जरिए
आत्मानंद ही नित्य प्राप्त होना चाहिए। तथापि अविद्या रूप प्रतिबंध के जरिए आनंदता यह धर्म ढका हुआ इस प्रकार का होता है, और बुद्धि सत्व संपन्न होने पर यानी कि दूसरे किसी निमित्त की अपेक्षा न होते हुए आत्मानंद बुद्धि में प्रतिबिंबित होता रहता है। जो चक्रपाणि दत्त ने पहला श्लोक रचा है, सरस्वते नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धि दर्पण संक्रांतम हम रोज कहते हैं नमो यस्या प्रसाद पुण्य कर। आत्मरूपम प्रतीयते, ये अभी मैं बता सकता हूं, लेकिन जगत अध्यक्षम ईक्षते, जगत अध्यक्षम ईक्षते ये जो बात बताई गई है वो एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का होगा। तो आत्मा तो हमारे जीवन में है ही, उसके सिवाय तो जीवन ही नहीं है। तो नित्य सन्निहित होने पर भी आत्मानंद की अनुभूति सदैव क्यों नहीं होती है? तो चित्त सत्व संपन्न नहीं है इसलिए आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। अविद्या रूप प्रतिबंध के कारण ये जो आनंद धर्म है वो ढका हुआ होता है, और बुद्धि जब सत्व संपन्न हो जाती है तो किसी भी निमित्त की अपेक्षा न होते हुए आत्मानंद बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से सब सभी पदार्थ प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन आईने में जब सूर्य का प्रतिबिंब प्रतीत होता है उसी प्रकार सत्व गुण से संपन्न इस प्रकार के चित्त में आत्मानंद प्रतिबिंबित होने लगता है। आनंद की ये मीमांसा ध्यान में रखते हुए हम सानंद संप्रज्ञात समाधि का विचार करेंगे। तो सानंद संप्रज्ञात समाधि ये क्या चीज है? तो आत्मा का प्रतिबिंब सत्व गुण उद्रेक होने के कारण हम में होता है, और फिर आत्मानंद की अनुभूति होती रहती है, ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके पूर्व जो सब विचार संप्रज्ञात समाधि, उसमें विज्ञान दशा में आने पर चित्त में जो आनंद की वृत्तियां निर्माण होती है तो वो समाधि पक्वावस्था में प्राप्त हुआ ऐसा समझकर सानंद समाधि के अभ्यास के लिए अब कोई प्रत्यवाय नहीं है ऐसा पीछे बताया है। तो अगली अगली अवस्था कब निर्माण होगी? व्युत्थान अवस्था और समाधि अवस्था। समाधि अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति होना ये तो ठीक है, लेकिन समाधि अवस्था से व्युत्थान अवस्था में आएंगे तो भी आनंद की अनुभूति होती रहना, जैसे पहले सवितर्क इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि बताया था, उसके सामने उसमें सामने तस्वीर या मूर्ति वगैरह इस प्रकार की थी। सविचार में वो सामने नहीं है, केवल विचार मन में आने से ये होता है। उसी प्रकार सानंद समाधि में जब प्रवेश करते हैं इस प्रकार से तो उस समाधि अवस्था में हमें सुख प्राप्त होता है, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन समाधि अवस्था से जब जग जाते हैं, व्युत्थान दशा में आते हैं, तो भी ये सुख प्राप्त होना, आत्मानंद की अनुभूति सदैव आते रहना, ये सानंद समाधि की पक्वावस्था प्राप्त हो रही है। सॉरी, पहले जो समाधि है उसका सविचार समाधि की पक्वावस्था प्राप्त हो रही है, ऐसा समझने के लिए ठीक है। अभी तक ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य इस प्रकार की जो त्रिपुटी है उसका अस्तित्व था। चित्त में भावना के लिए जो स्थूल या सूक्ष्म आलंबन दिया हुआ था वो ग्राह्य है, और ये ग्राह्य वस्तु दृष्टा जो जीव वो ग्राह्य वस्तु का ग्रहिता इस प्रकार का है। ग्रहिता और ग्राह्य इनका संयोग बनाने वाला जो चित्त
वो ग्रहण इस प्रकार का है। सानंद समाधि में स्त्रीपुट्टी में से जो स्थूल और सूक्ष्म आलंबन ग्राह्य वो छोड़ देना है, और सवितर्क समाधि में जो स्थूल आलंबन का त्याग, सविचार समाधि में जिस अंतर प्रयत्न से होता है उसी प्रयत्न से सूक्ष्म आलंबन का भी त्याग कर देना है, ये साधक समझ जाता है। तो सवितर्क समाधि में सामने आलंबन है, सविचार में उस स्थूल आलंबन का त्याग कर दिया, और जो सूक्ष्म आलंबन मन में स्थित है इस प्रकार से मूर्ति वगैरह जो है वो सामने पकड़ लिया, अब वो भी छोड़ देना है। हमारा ग्राह्य विषय जो है वो आत्मा ही रहेगा, बाह्य आलंबन स्थूल या सूक्ष्म कुछ भी नहीं इस प्रकार का रहेगा। और ये साधक के समझ में आ जाता है, क्षण क्षण से इस सूक्ष्म आलंबन का त्याग होने लगता है, और ऐसे क्षण में चित्त में से आलंबन निकल गया हो तो भी आत्मा सत्व संपन्नते के संपन्नता के जरिए चित्त में आनंद आविर्भाव होता रहता है, और चित्त का सभी चांचल्य नष्ट होकर आलंबन की आवश्यकता ही नहीं रहती, और चित्त में आनंद की वृत्तियों का प्रशांत प्रवाह चलने लगा, तो सानंद संप्रज्ञात समाधि हो, वो सानंद संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का। तो बाह्य विषयों से लेकर सूक्ष्म आलंबन और सूक्ष्म आलंबन को भी छोड़कर सानंद संप्रज्ञात समाधि इस अवस्था में जब पहुंच जाते हैं तो एक शांत प्रवाह वृत्ति का, एक आनंद की लहरें हमारे चित्त में उठती रहेगी, और ये सानंद संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का है। तो स्थूल आलंबन भी नहीं रहेगा, सूक्ष्म आलंबन भी नहीं रहेगा, इस प्रकार से चित्त में आनंद और भूमि उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था में मनोमय कारणों से आनंद का उत्पन्न, आनंद क्यों उत्पन्न होता है इसका विचार करेंगे। मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, जो कामना चित्त में उत्पन्न होती है वो रजोगुण कहते हैं, ये एक डुप्लीकेट हुआ है। बाह्य निमित्त कारण और स्थूल सूक्ष्म आलंबन रूप विषय, इनका प्रयोजन इस अवस्था में रहता नहीं, और इसलिए इस अवस्था में व्यतिरेक होता है आनंद। ये सच्ची अगर स्थूल सूक्ष्म विषयों का ही धर्म होता तो उनका व्यतिरेक होने पर आनंद का व्यतिरेक होना चाहिए था। एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि मुझे लगता है कि मैं इंद्रियों के विषयों के विषयों से मुझे आनंद निर्माण हो रहा है, वो उसका उपादान कारण है। फिर समझते हैं कि इंद्रिय ही उपादान कारण है, इंद्रियों के जरिए यह सब हो रहा है इस प्रकार से। अब इंद्रियों का विषय स्थूल शुरू में रहा था, अब वो स्थूल विषय सामने नहीं रहा, सूक्ष्म विषय हो गया, केवल मन में विचार आने से आनंद मिलने लगा, अब वो भी चला गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर आनंद देना ये विषयों का काम होता तो फिर वो नहीं रहने पर आनंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ बात इस प्रकार की है, लेकिन ये तो होता है क्योंकि आत्मा में मन स्थिर होने लगता है और आत्मा आनंद स्वरूप होने के कारण उसका आनंद मिलने लगता है। तो कहने का तात्पर्य से यहाँ पे है कि विषयों को हम आनंद देने वाले इस प्रकार के जो समझते आए बचपन से लेकर, वो वास्तव में सही आनंद नहीं है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाहा, हाँ उसमें दोषादीनां तु असमताम अनुमानेन लक्षयेत् अप्रसन्नेन्द्रियं वीक्ष्य पुरुषं कुशलो भिषक्। ये जो श्लोक है ज्यादा महत्वपूर्ण है समदोषासमाग्निश्चय के जरिए उसके तुलना में, कि अगर अप्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन इस प्रकार के है तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, और इसमें आत्मा मन इंद्रिय की बात की है, शरीर की बात की ही नहीं है। ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है।
अभी मैं जो तीन खंड बनाना चाहता हूँ, पूर्व खंड, मध्य खंड और उत्तर खंड, इस प्रकार से। तो पूर्व खंड में स्वस्थ वृत्त के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ के लिए क्या क्या आवश्यक है, और ये केवल एक व्यक्तिनिष्ठ इस प्रकार का नहीं है, ये समूह निष्ठ भी है या सृष्टि निष्ठ इस प्रकार का भी है। हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं, ये सृष्टि अगर संतुलित नहीं है, ये सृष्टि अपने प्राकृतिक स्थिति में नहीं है, तो हम पर उसका बुरा असर होगा ही। अभी यही पर्यावरण के बारे में बात की जाती है कि पर्यावरण पूरी तरीके से बिगड़ा है और हम एक हिस्सा है उसका, तो हमारा भी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो हमें अगर अच्छा रहना है तो पर्यावरण भी अच्छा रखना चाहिए, तभी हम अच्छे रह सकते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण में बिगाड़ क्यों आया, अनैसर्गिक चीजों से आया इस प्रकार। और ये फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो उदय हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने लगे इस प्रकार से। पेट्रोकेमिकल, ये बड़ी इंडस्ट्री इसमें से उभर आई, और फिर प्लास्टिक वगैरह ये सभी उसी में से निकल आए हैं इस प्रकार से। तो ये अनैसर्गिक इस प्रकार के हैं और उसने पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर दिया इस प्रकार से। तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं सोचता हूँ कि केवल हमारे स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करनी है, सजीवों के स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है, चाहे वो प्राणी, पशु, पक्षी इस प्रकार के हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो। और इनका मूल कारण है जमीन, पानी, हवा, ये इस प्रकार से। तो ये अगर अच्छे रहेंगे तो पेड़ पौधे, वनस्पति, ये बाकी जो प्राणी है वो अच्छे रहेंगे, और मानव इन दोनों पर निर्भर है, उसका खाना वनस्पति और प्राणी इस प्रकार का है। तो जमीन, पानी और हवा बिगड़ जाती है तो ये बिगड़ जाते हैं, ये बिगड़ जाते हैं तो उस पर निर्भर जो मनुष्य है वो भी बिगड़ जाता है, और वो बिगड़ जाता है वो फिर से, या वनस्पति और प्राणी ये बिगड़ जाते हैं तो उसका वेस्ट मटेरियल फिर से जमीन को ही मिलता है, वो और बिगड़ जाती है। ये सिलसिला काफी बरसों से अभी चल रहा है, 60-70 बरसों से ये सिलसिला चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि स्वास्थ्य ये क्या चीज है, ये समझना इतना आसान इस प्रकार का नहीं है। व्यतिरेक का अर्थ क्या है, विपरीत इस प्रकार का, कि अगर विषयों पर हमारा सुख या आनंद निर्भर है तो ये नहीं होने पर वो नहीं होने चाहिए, सुख नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आनंद, आत्मा का आनंद हमें फिर भी मिलता है इस प्रकार से। जनपद उद्भवंस ये तो है ही, लेकिन पुराने जमाने का जनपद उद्भवंस और आज के जमाने का जनपद उद्भवंस तो काफी अंतर ये है। पुराना, जो पुराने जमाने का था वो फिर भी नैसर्गिक था, और अभी का जो चल रहा है ये मानव निर्मित इस प्रकार का उद्भवंस है, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल हम आरोग्य और रोग के बारे में बात करेंगे, रोग के बारे में बात करेंगे, ये ऐसे लक्षण होते हैं, उसकी चिकित्सा होती है वगैरह वगैरह, ये सही नहीं है। आरोग्य मूल रूप से क्या है ये देखना भी बहुत जरूरी इस प्रकार का है, वो दूर क्यों हो जाता है ये देखना जरूरी है, और फिर जो आविर्भाव रोगों का होता है वो किस प्रकार का है वो भी अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, और फिर संक्षेपतः क्रियायोग और निदान परिवर्जन के जरिए जो मूल कारण है उनको टालना है तो रोगों के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कौन और कब करेगा, ये बड़ा सवाल इस प्रकार का है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल या परसों ये नहीं होगा वाचन जो है वो, और शनिवार को एक बार मिलेंगे।
और शनिवार के बाद मैं गुरुकुल जा रहा हूँ, तो वैसे सोमवार को निराया, मंगलवार को गणेश चतुर्थी है, तो फिर अगले बुधवार को डायरेक्ट मिलेंगे, शनिवार को मिलेंगे और डायरेक्टली अगले बुधवार को मिलेंगे। ओम धन धन्वंतरये नमः, 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 ओम धन धन्वंतरये नमः। शांति 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 ही।